जय हिंद, नमस्कार। देश भर में सेना भर्ती की तैयारियां अब जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन दूसरी ओर अग्निपथ का विरोध अभी भी जारी है। इसको लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहीं अब दूसरी ओर कांग्रेस व टीएमसी पार्टी ने भी केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर एक बार फिर से विचार करने की बात कही है। दरअसल हाल ही में एक पूर्व सैनिक द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने के बाद से कई राजनीतिक पार्टियां इसे भारत में लागू हुई अग्निपथ योजना से जोड़कर देख रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस सैनिक ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे की गोली मारकर हत्या की, वह जापान की सेना में 3 साल नौकरी करने के बाद रिटायर कर दिया गया था और उसे कोई दूसरा रोजगार नहीं मिला और न ही उसे सेना से कोई पेंशन मिली, जिसके चलते वह परेशान रहने लगा और गुस्से में आकर उसने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो की गोली मारकर हत्या कर दी। यह बात टीएमसी पार्टी के मुखपत्र जागो बंगला में कही गई है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपने मुखपत्र में शिंजो आबे की हत्या के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल ममता ने पार्टी के मुखपत्र जागो बंगला के जरिए केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिस प्रकार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या एक ट्रेंड सैनिक ने की है, उसे केंद्र की बीजेपी सरकार को सबक लेते हुए अग्निपथ योजना पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार अग्निपथ योजना से तैयार होने वाले अग्निवीर 4 साल के बाद सेना से जब वापस लौटेंगे तो देश भर में यह आशंका होगी कि ऐसे ट्रेंड सैनिकों को अगर रोजगार नहीं मिला तो फिर वो क्या करेंगे। जापान की घटना का उदाहरण पेश करते हुए ममता की पार्टी टीएमसी केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोल रही है। नारा शहर में 41 वर्ष के यामागामी तेत्सुवा द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या को मुखपत्र जागो बंगला में पहले पेज पर अग्निपथ की छाया टाइटल से जोड़कर लिखा गया है। जागो बंगला में प्रकाशित लेख में लिखा गया है कि यामागामी जापानी नौसेना में 3 साल काम करने के बाद रिटायर हो गया था। उसके बाद यामागामी को कहीं दूसरी नौकरी नहीं मिली और न ही उसे पेंशन मिली, जिसके कारण वह काफी परेशान रहने लगा था और यामागामी ने सेना में 3 साल तक बिना पेंशन के काम किया। इन तमाम कारणों की वजह से वो हमलावर काफी दिनों से पूर्व प्रधानमंत्री आबे के कार्यों से खासा नाराज था और मौका पाते ही हमलावर यामागामी ने वारदात को अंजाम दिया। जागो बंगला ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में सैनिकों की तैनाती को लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन इसमें न तो सैनिकों को पेंशन मिलेगी और न ही उन्हें कोई दूसरी सुविधा। देश में पहले ही अग्निपथ योजना की वजह से कई दंगे और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं और जापान में हुई घटना के बाद टीएमसी शिंजो की हत्या को अग्निपथ योजना से तुलना करके केंद्र सरकार पर तंज कस रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जागो बंगला में लिखा गया यह लेख कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। इस तरह की बातें करना ये उन राजनीतिक पार्टियों की सोच के गिरते स्तर को भी उजागर करता है। बहरहाल साथियों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।